शुरू ही हो गई, प्रारंभ ही हो गई। तो ऐसी ही एक भक्त चरित्र है। मां तो देशलोक में विराज रहे थे, जैसे अभी हम दर्शन करने आते हैं, लोग अन्यत्र जगह जगह से मां के दर्शन करने आते थे, सब परिवार बच्चों को लेकर। कोई आदि व्याधि में आता था, कोई मनौती मांगते हुए आता था, कोई बस यूं ही जगदम्बा की एक झलक पाने के लिए आ जाता था। ऐसे में एक बालक था जिसके माता और पिता का देहांत हो गया था। माता पिता का देहांत हो जाए तो बालक को कौन संभाले? भोजन के लिए भी वो आश्रित हो गया, कुछ समय इधर उधर खा लेता, पीड़ा में था। पर इतनी छोटी उम्र थी कि संसार की ऐसी स्थिति भी उसको समझ नहीं आ रही थी कि एकाएक क्या हो गया मेरे जीवन में कि मैं इतने दुखों से आच्छादित हो गया मेरा जीवन। मां करणी की प्रेरणा से किसी ने उसे कहा कि देश नोक में एक ऐसी धिराणी विराज रही है जो बच्चों से बहुत प्रेम करती है, जो बालकों से, जो सबको अपना लेती है। Who can envelop the whole world, the whole cosmos, the whole universe? अनगिनत गैलेक्सीज को जो धारण करे हुए हैं और लीला रूप जो हर मनुष्य को, हर पशु पक्षी को धारण करती है। और वो न देशनोक जानता, न वहां का रास्ता जानता, न मां को जानता, पर सुन लिया कि हैं करणी जी महाराज जो सबको अपनाते हैं। क्या वो मुझे भी अपनाएंगी? निश्चित रूप से वो तुझे भी अपनाएंगे। गली में एक दिन घूम रहा था कि एक बैलगाड़ी मां का कीर्तन करते हुए कुछ लोग उस पर बैठे थे। ओम करणी, ओम करणी, ओम करणी, जय मां करणी, जय मां करणी, कीर्तन से उद्घोष करते हुए कहीं जा रहे थे। बालक ने सुना और एकदम से बालक की बुद्धि मोहित हुई और बालक पीछे पीछे चल पड़ा। अनजान लोग, उन्हें भी लगा कि कौन बालक है, कहा कि मेरे माता पिता नहीं है, मुझे करणी जी के दर्शन करने हैं। बोला, हम सब मां करणी के दर्शन हेतु ही जा रहे हैं, तो हमारे ही साथ हो ले। वो बैलगाड़ी तो मां ने ही भेजी थी। पीछे पीछे चलने लगा, मां के समक्ष प्रकट हुए, सब बैठे मां के दर्शन कर रहे, कोई स्तुति कर रहा, कोई अपनी पीड़ा कह रहा। वो बालक एक तक मां को देख रहा, मां का स्वरूप देखकर छोटे से बालक के आंसू आ रहे, प्रेम अश्रु बह रहे, मां को एक तक देख रहा, पलक भी नहीं झपका रहा। यद्यपि मां तो सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है, पर लीला करने में एक्सपर्ट है। एकदम से बोला, ये बालक कौन है? एक टक देख रहा था मां को निरंतर, और क्यों ना देखे? जिस प्रेम, जिस करुणा को प्रारब्ध ने उसके जीवन से ले लिया था, एकाएक उससे भी अगाध प्रेम मूर्त रूप में उसके समक्ष खड़ा था। कोई चीज, कोई कमी हमारे जीवन में हो और वो अकस्मात हमारे सामने आ जाए, तो हम क्यों उस ललाहित दृष्टि से उसको देखें? वो प्रेम वात्सल्य की कमी एक तरफ उसे खल रही थी और मां सामने, मां ने कहा कि ये बालक कौन है? गांव वालों ने वृतांत बताया, मां ने सर पे हाथ फेर दिया कि बिन बोले मन की जाने वो, मां काज भक्त के करती है, उसको क्या चिंता दुनिया की, जिसके सर हाथ मां धरती है। बिन बोले मन की जाने, कहने पे तो फिर सब को ही पता चल जाए, सब नहीं ठा पड़ जाते। और मां ने हाथ फेर दिया, सब लोग चले गए, बालक वहीं रह गया। पुण्यराज जी, पूना जी आए संध्या, कई भक्त मां के यहां रहते भी थे, वो जानकार भी होते थे, पर ये बालक तो नया था। मां, ये बालक कौन है? आदि शक्ति ने कहा, ओ मारो भूरियो बेटो है।
मां ने अपना लिया, सर पे हाथ फेर दिया। जब राजाओं के सर पे हाथ फेर देते हैं तो राज्य मिल जाता है। ये भूरिया बेटा तो मां से प्रेम ही मांग रहा था। और भूरा बेटे को जब ये बात हृदय में आश्वस्त हो गई कि मां ने उसे अपना लिया, तो भी डरा हुआ था बहुत अत्यधिक। माता पिता की मृत्यु के बाद समाज के थपेड़े खाए थे भूरा ने, और मां के समक्ष आके एक ही बात कही कि मां आप मुझे जिस भी प्रकार रखेंगी मैं रह लूंगा, मां मुझे आपके चरणों से दूर मत करना, मां मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना वरदान दीजिए कि मेरे मुख पर आपका नाम रहे, नेत्रों के सामने आपके दर्शन होते रहे, शरीर से आपकी सेवा होती रहे, और जिस भी प्रकार आप मुझे रखोगे। और भूरा ने कहा, करिष्यूं थारा जा चाहे जिया राख, करिष्यूं थारा जा चाहे जिया राख, राखो लजिया रे सुम्हारी मात रे मेहाई ना, मुख पैर रेसी दिन रात रे मेहाई ना, मुख पैर रेसी दिन रात रे, राखो लजिया अम्बा तेरे में है ना, मुख पैर रेसी दिन रात रे में है ना, मुख पैर रेसी दिन रात रे, हो चाहे हो उखदाई, सुख हो चाहे दुख अधिकाई, अखियां मूरत अंबे आपकी आई, सुख हो चाहे दुख अधिकाई, सुख हो चाहे दुख अधिकाई, अखियां मूरत अंबे आपकी आई, रसना में हाई रसना में हाई मैया, रसना में हाई मैया, कर सिथारा जाप रे में हाई ना, मुख पर रेसी दिन रात रे में हाई ना, मुख पर रेसी दिन रात रे, करिष्यूं थारा जाप चाहे जिया रा, करिष्यूं थारा जाप चाहे जिया रा,
प्रेमा निहाई नाम महल मिले या हो जो पढ़ लिया महल मिले या हो जो पढ़ लिया राह निहाया रेली मारी आखड़ लिया महल मिले या हो जो पढ़ लिया महल मिले या हो जो पढ़ लिया राह निहारे ली मारी आखड़ लिया दर्शन दीजो पर रेसी दिन रात रे में हाई ना मुख पर रेसी दिन रात रे करणी जी महाराज की जय। बाप जी कृपा से आज तो उत्सव ही उत्सव हो रहा है। बाप जी पूरा मां से कह रहा है कि मां मुझे जैसे रखोगे वैसे रह लूंगा। मां हमारे अंदर भी इस बालक को प्रकट कर दो। हम तो स्वार्थ की मूर्तियां हैं, मनोरथ सिद्ध ना होने पर आपसे आपको ओढ़ में ही दे देते हैं। ये तो दूर की बात है कि आप जैसे रखोगे रहेंगे, कोई काम नहीं होता तो ओढ़ में दे देते हैं मां को। हे मां, ऐसा बालक, ऐसा शुद्ध अंतःकरण, ऐसा प्रेम आपके चरणों के प्रति हमारे हृदय में प्रविष्ट करो मां भगवती। और भूरा मां के साथ ही रहने लगा। जो जगत की जननी है उसने जिसको अपना लिया तो उसको खुद की जननी की क्या कमी महसूस होनी थी। और समय आगे बढ़ता गया, जो भी मां के दर्शन करने आते भूरा उनकी सेवा करता। इतना मधुर स्वभाव भूरा का, जब कोई भगत आता जय माता जी करके स्वागत करता, खाने की भोजन प्रसाद आवास की व्यवस्था करता, मां की सेवा में रहता। मां कभी पुष्प लाने के लिए कह देती होंगी तो पुष्प भी लाता होगा। मां कहती होंगी कि ले झारी का जल भर ला तो जल भर लाता। दिन रात मां की सेवा में। भक्त का ध्यान कौन रखता है? भगवान। और भोले का धनी तो वैसे ही भगवान है। मां ने एक दिन श्रीमुख फरमाया कि भूरा मेरी सेवा ही करता रहेगा या गृहस्थी भी बांधेगा खुद की? से कहां सुदबुद इन बातों की, मां की सेवा में मस्त। एक दो बार फिर मां ने टोका। मां तो जानती थी लीलामय करुणामय करणी। मन में कुछ सकुचाते हुए हिचकिचाते हुए बोला कि मां मैंने अपने माता पिता का मृत्यु भोज नहीं किया। सामाजिक रूप से ये सही नहीं है, मुझे कौन कन्या देगा? यद्यपि यह समाज की बड़ी कुरीति है परंतु देश काल परिस्थिति अलग थी उस समय। बोला मां मुझे कौन कन्या देगा? और मां भगवती ने फिर से अपना अन्नपूर्णा स्वरूप प्रदर्शित करने वाली है। मां ने कहा कि ऐसा कर, एक छोटी सी कढ़ाई में सीरा बना दे और ले जा मेरी ये लोवड़ी, इससे
आच्छादित कर देना, इसे ओछाड़ रूप में इस्तेमाल करना। और मां ने कहा कि मैं स्वयं आऊंगी। भूरा के तो भाग्य खुल गए, और जैसा मां ने कहा वैसा भूरा ने किया। और मां की लोमड़ी की ओट जो जगत का पेट भर सकती है, उस ओट में पूरा गांव पूरा समाज जीम गया। धन्य भाग हुआ, भूरा की गृहस्थी बस गई। और मां ने आशीर्वाद दिया कि भूरा तो बढ़तो ही जाए। और आज भी ऐसी कृपा है, पूरे विश्व में भूरे फैल गए, और वो भूरे हैं मां के ही भूरे। और कहीं भूरे सिर्फ करणी मां के अपनाए हुए, करणी मां के गोद लिए, करणी मां करुणामयी के अपनाए हुए ही भूरे हैं। और इतनी कृपा है कि आज भी ऐसा कहते हैं कि उनके वंश में जब कोई शिशु का जन्म होता है तो वो कोई पंडित नहीं बुलाते, ब्राह्मण नहीं बुलाते, शिशु की भूआ ही उसका नाम रखती है, क्योंकि मां ने ही तो नाम रखा था ना भूरा, ओ मारो भूरियो बेटो, आज भी भूआ सा ही नाम रखती है। और नेड़ी जी दरबार में उनकी वर्ष में एक बार बारी भी आती है। क्या लीला करुणामय करणी की, मां की अन्नपूर्णा स्वरूप तो मां पल पल बचपन से ही दिखाते आए हैं। और अन्नपूर्णा स्वरूप मां का देखना हो तो विशाल कड़ाव मां के मंदिर में सुशोभित हो रहे हैं। बोलिए करणी जी महाराज की जय। सावन और भादो नाम के दो कड़ाव, मां के अनन्य भक्त वीर बहादुर हिज हाइनेस गंगा सिंह जी द्वारा बनाए गए। मां के प्रति क्या भाव रहा होगा उनका कि उन्होंने कहा कि विशाल से विशाल भोग भगवती को लगे। एक रोचक कथा सावन भादो से जुड़ी हुई यहां पर कहना चाहूंगा, क्योंकि साक्षात बाबा विराज रहे हैं यहां पर, उनसे अनुमति लूंगा। ये इतना विशाल, शायद संभवतः इतना भारत में इतना बड़ा भोग और कहीं नहीं लगता होगा। एक साथ 56 भोग लगते हैं, नव नव प्रकार के अन्नकूट भी है, लेकिन ऐसा भोग जब बाबजी यहां पधारे, इन कढ़ावों को देखा, तो बाबजी ने पूछा कि ये कढ़ाव कैसे, किस प्रयोजन में आते हैं। यहां पर बताया गया कि महाराज राजाओं के बनाए हुए कड़ाव हैं, राजा इसमें प्रसादी कराया करते थे, बहुत रुपया लगता है, आप तो वैसे भी सन्यासी हैं। महाराजा गंगा सिंह जी के बाद हलवे का भोग लगा भी नहीं था मां को। और बाप जी तो भगवती को हृदय में साक्षात धारण करे हुए हैं, या कहें कि भगवती महाराज जी बाप जी को चला रही थी, मां की लीला में बाप जी को भी ले लिया मां ने। ऐसे ही सत्पुरुषों को, ऐसे ही महान योगियों को तो भगवती लेंगी, हम तो अभी उतने कृपापात्र ही नहीं है कि इंट्रैक्शन मां हमसे करे। बाप जी जैसों से तो साक्षात मां इंट्रैक्ट करती है। बाप जी ने कहा कि ये कैसे कड़ाव हैं, और बाप जी के हृदय में ये प्रसाद कराने